हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि अभी तक कंगारू ऑस्ट्रेलिया में क्यों पाए जाते हैं? डोंट वरी, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल कई सालों पहले जब सारे कंट्री एक साथ आपस में जुड़े हुए थे तब इसे पेंजिया के नाम से जानते थे, लेकिन जैसे प्लेट के बीच में लगातार टकराव हुआ तो पेंजिया कई भागों में विभाजित हो गए। उसी में से ऑस्ट्रेलिया भी एक था जो 180 मिलियन ईयर एगो एशिया के मेनलैंड से सेपरेट हुआ। ये सब जुरासिक पीरियड के दौरान हुआ और उसी समय प्लेसेंटल मैमल इवॉल्व हो रहे थे। नेचर इनको फेवर कर रहा था क्योंकि प्लेसेंटल मैमल ज़्यादा अडॉप्टेड थे अन्य जानवरों के मुकाबले में। प्लेसेंटल मैमल दुनिया के अनेक हिस्सों से अन्य कैटेगरी के जानवर को इलिमिनेट कर दिए, जैसे मार्सुपियल हो गए, प्रोटोथीरियन हो गए। प्लेसेंटल मैमल में जैसे कि टाइगर, लायन, और वहीं हम मार्सुपियल में आए और प्रोटोथीरियन में तो पाउच्ड मैमल एंड एग लेइंग मैमल। कंगारू मार्सुपियल के कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया पहले ये एशिया के मेनलैंड से सेपरेट हो गया था और प्लेसेंटल मैमल के पास कोई रूट नहीं था उनके पास पहुँचने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में ओशियन आता था जिसके कारण जो प्लेसेंटल मैमल थे वे ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाए। इसलिए आज तक कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं।